सुनिए ना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपके लाइफ में एक समय ऐसा भी आता है जब आप किसी के प्यार में पड़े होते हैं, लेकिन कुछ कारणों से वह रिश्ता टूट जाता है, वह हमसफर छूट जाता है और आपको ब्रेकअप का सामना करना पड़ता है। सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन उस सच्चे प्यार को भुलाना आपके लिए इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि एक समय था जब उस व्यक्ति के नाम ने आपके दिल में घर कर लिया था। आपका दिल सिर्फ उसी के लिए धड़कता था, लेकिन सच्चे प्यार को कैसे भुलाएं, उसे अपने दिलो दिमाग से कैसे निकालें, ये आपको नहीं आता, क्योंकि उसकी यादें आपको बहुत दर्द देती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ब्रेकअप का दर्द जल्द से जल्द खत्म हो जाए, तो आज हम आपको ऐसे 5 तरीके बताएंगे जिससे आप अपने सच्चे प्यार को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। सबसे पहला तरीका, लाइफ में थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और खुद पर ध्यान दीजिए। जब आपके लाइफ में कुछ टूट जाता है, जहाँ पर आप अपना समय और पैसा दोनों खर्च किए होते हैं, वहाँ पर जब बात बिगड़ जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, साथ छूट जाते हैं, तो आपको दुख तकलीफ और दर्द जरूर होता है। ऐसे समय में आप थोड़ा सा खुद से ब्रेक लीजिए, खुली हवा में सांस लीजिए, कुछ समय अकेले में कुदरत के साथ बिताइए। उसके बारे में किसी से भी बात मत कीजिए, क्योंकि आप जितना उसके बारे में बात करोगे, उसके बारे में सोचोगे, वो उतना ही याद आएगा, वो उतना ही याद आएगी। मुझे पता है ये बोलना आसान है, लेकिन फिर भी जब आपने अपना कदम पीछे हटा ही लिया है, तो अगला कदम उसके तरफ फिर कभी मत बढ़ाना। अपने जीवन से सीखना कि आपने क्या क्या गलतियाँ की थी, फिर उसी गलती को आपको आगे नहीं करना है। दूसरा तरीका, अपने पार्टनर की सारी पुरानी तस्वीरें जला दीजिए, हर जगह से उसे ब्लॉक कर दीजिए। अगर सच में उसे भुलाकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। वो आपके बारे में क्या सोचती है या क्या नहीं सोचता, ये आप सोचना बंद कर दीजिए। आप जितनी उसकी पुरानी बातों को याद करोगे, उसके तस्वीर को देखोगे, तो वो उतना ही ज़्यादा आपको याद आएगी या याद आएगा, और उतना ही मुश्किल होगा उसे भुलाना। तीसरा तरीका, कभी भी उसे री एंट्री का मौका मत देना। अगर उसने आपको ठुकरा दिया था, आपसे रिश्ता तोड़ लिया था, आपको छोड़ दिया था, तो उसे फिर कभी एंट्री का मौका मत देना। हो सकता है कि वो कोशिश करे दोबारा आपसे जुड़ने के लिए, आपसे फिर से बातें करने के लिए, लेकिन मेरे दोस्त, उसे दूसरा मौका मत देना, क्योंकि दोबारा बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप उसे भुला सको। उसने अगर एक बार आपसे रिश्ता तोड़ लिया, तो वो हर बार आपसे रिश्ता तोड़ेगी। दिल आपका टूटेगा, रोना आपको ही पड़ेगा, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना हो सके उतना ही उससे दूर रहिए। पास आकर वो फिर से वापस तो आने वाले नहीं हैं। अगर वापस आना होता तो वो चाहते ही नहीं। अपने दिल का दरवाज़ा उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। चौथा तरीका, पुरानी यादों को भुलाने के लिए कुछ भी नया या रोमांचक करने की कोशिश कीजिए। आप वो लिस्ट बनाइए जो आप हमेशा से करना चाहते थे, जैसे कहीं घूमने जाना, किसी चीज़ की तैयारी करना या किसी काम में बिजी हो जाना। और यही सही समय होता है जब आप खुद को तलाशते हैं, खुद को निखारते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ रहिए
जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। आपके आसपास हमेशा ऐसे लोग होते ही हैं जो आप में अच्छी चीज़ें खोजते हैं, आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, खुशी देते हैं आपको, यहाँ तक कि नुकसान के समय में भी आपका समर्थन करते हैं। आपको इन लोगों के साथ रहने की ज़रूरत है, अपने परिवार के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, जो हमेशा आपका भला चाहते हैं। पांचवा तरीका, आप उसे माफ़ कर दीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसे अपने मन से, अपने दिल से माफ़ कर दें। 99% लोग ब्रेकअप के बाद खुद को और सामने वाले को माफ़ नहीं करते और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, जिसकी वजह से आप वहाँ से निकल नहीं पाते। सामने वाले को क्षमा करना और ब्रेकअप को स्वीकार करना आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी है। सामने वाले ने आपका दिल दुखाया, ये चीज़ें आप बार बार सोचोगे कि आपने समय दिया, पैसा खर्च किया, सब कुछ लुटाया, फिर भी उन्होंने आपका दिल दुखाया। कोई बात नहीं, माफ़ कर दीजिए, फिर से नई शुरुआत कीजिए। इससे आपका ध्यान कहीं और जाएगा और उनको भूलकर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। ब्रेकअप आपके जीवन को ख़त्म नहीं करता, बल्कि फिर से एक नई शुरुआत का मौका देता है। तो ये पांच तरीके हैं जिससे आप अपने सच्चे और झूठे प्यार को भुला सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिए। राधे राधे।